गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक डेयर दिया था, जिस डेयर में आपको बताना था कि क्या आप अपने पीरियड्स के टाइम पे बिना मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के बिता सकते हो। एंड मोस्टली सभी का कमेंट में नो ही जवाब आया है। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि बिना मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के हम अपने, तो ये सब तो आप जान ही चुके होंगे कि बिना सैनिटरी पैड के हम अपने पीरियड्स मैनेज ही नहीं कर सकते, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। तो उन लड़कियों का आज के टाइम में भी क्या होता होगा जो आज के टाइम में भी सैनिटरी पैड यूज़ नहीं करते, आज के टाइम में भी कपड़ा राख ये सब यूज़ करते हैं एंड उनके गांव में अभी भी सैनिटरी पैड्स अवेलेबल नहीं हैं। सैनिटरी पैड्स यूज़ ना करने पर और एक ही कपड़ा बार बार पीरियड्स के टाइम पे यूज़ करने पे उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है अपने पीरियड्स के टाइम पे भी, और बहुत सी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। सो कपड़ा यूज़ करने पर लड़कियों के स्कूल भी मिस हो जाते हैं और उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है। सो उन लड़कियों की हेल्प करने के लिए एवटीन ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, पीरियड केयर अडॉप्शन प्रोग्राम कैंपेन। सो वहाँ पे एवटीन के सारे सैनिटरी पैड्स अवेलेबल कराए जाएंगे और मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ। एवटीन के सारे प्रोडक्ट, सारे मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ एंड ये कोई लग्जरी चीज़ नहीं है, हर लड़की की ज़रूरत है एंड हर लड़की के पास सैनिटरी पैड्स होने चाहिए। सो अगर आप भी ऐसे किसी गांव को जानते हैं तो नीचे दी गई वेबसाइट पर आप उस गांव की सारी डिटेल्स गूगल पे जाके डाल सकते हो। एवटीन उनकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा और वहाँ पे पैड्स अवेलेबल कराने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। सो इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आपका एक शेयर एक लड़की की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है।